अस्सलाम वालेकुम, मॉडर्न विद देसी टच व्लॉग हाज़िर हैं। देसी टच व्लॉग मैंने अपने चैनल का नाम इसलिए रखा है कि मेरी हर वीडियो में देसी टच होता है। स्पाइसी चीज़ों से मैं दूर हूँ, मतलब के जो मैदे को ख़राब करे, बर्निंग करे, वेरी 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 सीवियर, वो क्या उसको कहते हैं, बर्निंग होती है, पेंस होती हैं हमारे स्टमक में, जो ज़्यादा ज़्यादा हम जो है ना स्पाइसी खाने खा लेते हैं, चटपटे खाने खा लेते हैं, तो सो अवॉइड फ्रॉम इट, इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए मेरी हर रेसिपी सिंपल होती है, बट टेस्टी होती है और अट्रैक्टिव होती है, यू कैन सी। सबसे पहले आज मैं आपके लिए मटर गोश्त लेकर आई हूँ। मटर चाहिए, मैंने बोनलेस लिया है, तो साथ में टमाटर की पेस्ट है, मटर है, और साथ में प्याज, लहसुन, अदरक एंड गरम मसाले थोड़ी मकदार में, 1 टेबल स्पून है, तो आप इसको टीस्पून भी कर सकते हो, नॉर्मल से मतलब कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है। उसमें 2 ग्लास पानी आपने लेना है, कितने, जस्ट 2 ग्लास। 2 ग्लास पानी लेकर आपने सबसे पहले जो है ना गोश्त को गला लेना है। गोश्त को गलाना कैसे है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपना सॉस पैन लेना है, कुकर लेना है, जो आपको अवेलेबल हो, इजी बर्तन आपने वो लेना है, ठीक है। हमने प्रेशर कुकर का यूज़ किया है यहाँ पर। इसके अंदर हमने अपना 1/2 किलो जो गोश्त है ना, बोनलेस है, तो आप बोन्स वाला भी ले सकते हो, इट्स ऑन यू। सारे मसाले A to Z इसमें आपने डाल देने हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्त सा बनने वाला है, आप देखिएगा। इसमें 2 ग्लास पानी आपने इसमें मैंने यूज़ किया है, तो ये आपने सारा जो है ना इसमें डाल देना है। 2 ग्लास पानी का मतलब हिसाब ये होगा कि इसमें गोश्त जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। ये 1/2 kg था, इसलिए 2 ग्लास पानी डाले, मैं बार बार बता रही हूँ, ज़्यादा पानी मत डाल लीजिएगा। आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना जितना आपका गोश्त होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैंने 1/2 kg गोश्त लिया था, तो उसको हैवी बोनलेस, तो मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाले। तो हम इसमें कुकर को हम इसमें बंद कर देंगे, ढक्कन लगा के गोश्त को, और इसको कम से कम 10-15 मिनट है ना कुकर हम लगाएंगे। तो इस दौरान मतलब कि आपने इसको जब देखना है ना, 10-12 मिनट बाद आप देखिएगा कंडीशन ये है, 15 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 14 मिनट बाद, अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग योर, ठीक है, जितनी मतलब आप क्वांटिटी डाल लेंगे। उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट कर लिया दूसरे बर्तन में, ताकि इसकी जो भुनाई है ना वो एक तो अच्छी हो सके, क्योंकि जो फ्राई होता है ना प्रेशर कुकर थोड़ा सा डीप होता है, तो उसके लिए फिर जो है ना वो सब भुनाई में वो ज़्यादा मतलब जल्दी पानी जो है उसका ड्राई नहीं होता। तो खुले बर्तन में आपने डाल लेना है, कढ़ाई वगैरह में, ठीक है, तो उसमें डालने से जो है ना ये जल्दी ड्राई हो जाता है, ठीक है। अच्छी तरह भून लेना है, इसका पानी जो है ना खुश कर लेना है, जब पानी खुश हो जाए तो उसमें आपने हसबे जायका, ठीक है, वो कम में भी चीज़ जो है ना वही टेस्ट देती है, जबकि हमारा अपना ना साइकी होती है, तो बहुत कम मकदार में जो है ना चीज़ों में ऑयल वगैरह घी का इस्तेमाल बहुत कम किया करें। और कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर, अब की परहेज़ जो है ना नेक्स्ट के लिए हमें फ़ायदा देगी। तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए घर में, जब बच्चों को स्पाइसी कम देंगे ना तो उनकी तो सेहत बनेगी, हमारी भी जो सेहत है ना वो भी जो है ना वो बेस्ट रहेगी। अगर ख़राब हो चुकी है ना, अल्लाह आपको सेहत दे, तो इससे कम स्पाइसी चीज़ें जो है ना वो खाया करें। अब इसमें मटर डाल दें आप, मटर को भी इसमें भून लीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कम मिर्चें खाया करें, कम घी खाया करें, हेल्दी और वेल्दी लाइफ जो होती है ना उसका यही राज होता है। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ ये है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा ग्रेवी बनानी है, इसको कोरमा टाइप बनाना है, तो इसमें आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इसमें आप यहाँ इस स्टेज पे ना पानी डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग नहीं ट्राई करते तो वो ना डालें, ठीक है। ड्राई फॉर्म में भी बन सकता है, थोड़ी सी ग्रेवी भी बन सकती है, थोड़ा सा मज़ीद यानी कि इसमें पानी डाला जा सकता है। और एक मज़े की बात, फैमिली ज़्यादा है तो लंबा शोरा भी रखा जा सकता है, दैट्स नॉट अ शाइंग बात, यानी कि ये कोई शाये फीली बात नहीं है कि लंबा शोरा, बिलीव मी, ये जो है ना सॉफ्ट चीज़ जो होती है ना, यो मतलब कि जितनी ज़्यादा चीज़ सॉफ्ट हो ना, हमारा स्टमक उस चीज़ को उतना ही ज़्यादा कैरी करता है, कैप्चर जल्दी करता है। सो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिहाज से इसमें पानी ऐड कर देना, ठीक है।
आपने तरीका देख लिया, इतना सिंपल है, बिल्कुल सादा। आपने देखा कोई मसाले वगैरह का टच नहीं दिया गया, कोई मैंने इसमें कौरमा मसाला नहीं डाला, कोई इसमें मैंने मतलब कि कढ़ाई मसाला, टिक्का मसाला, एनी मसाला, किसी किस्म का मसाला देख लो मैं कोई नहीं पाया, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको पानी को पका लेना है, मटर गला लेने हैं आपने अच्छे तरीके से। तो इसको किस स्टेज पे लेके आना है अब ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब गोश्त भी गल गया, मटर भी गल गया, तो आपने पानी का हिसाब रख लेना है, ग्रेवी कितनी बनानी है, शोरबा कितना बनाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिहाज से नॉर्मल बनाया। तो देखिए मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है ना, पता सी मैंने थोड़ा पसंद आएगी, पसंद आई है तो लाइक कर दो, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ अच्छा एंड पे ये देखिए एक दफ़ा ये चीज़, अगर आपने देगी चीज़ पसंद करनी है, अगर आप चाहते हो कि भी हम में मतलब थोड़ा सा हैवी चीज़ आए, देगी चीज़ आए, मतलब देग की तरह लगे और मतलब थोड़ा सा टेस्ट भी लगे जैसे होटल से खाना खा रहे हैं, तो जस्ट जब भी कोई आप खाना बनाए ना, एंड पे जो है ना गर्म मसाला पिसा हुआ वो आप स्पार्कल कर देना, लेकिन थोड़ी मिकदार में, ठीक है। बात समझ आ गई, देखिए मेरी फाइनल लुक कैसी आई है। तो आपने ना एंड पे मसाला लगा के ना दम लगा देना, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि भी साथ में ना सब्सक्राइब जब चैनल करते हैं तो एक घंटी बनी होती है, वो घंटी, उस घंटी ने दबा दो प्लीज़, उस घंटी ने दबा देना, मेरी हर वीडियो थोड़े तक नस के दौड़ के पच के आएगी। ये देखें जी फाइनल लुक, बहुत अच्छी लग रही है ना, मुँह में पानी भी आ रहा है ना, खाने को भी दिल कर रहा है। तो उठें जाएँ, वीडियो को लाइक करते जाएँ और जाके खाना खाएं, मटर गोश्त टू मच डिलीशियस। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।